मध्यानंद गुरुकुल परिषद के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती, जो ब्रह्मचारी यहाँ से जा रहे हैं, आप सभी बैठे रहे अभी आवेदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान स्वामी हरिवेश जी, बेटा थोड़ा आगे हो जा, आचार्य सुखदेव जी शास्त्री मंच पर उपस्थित विद्वतगण, सन्यासीगण, आचार्य जी, इस सभा में उपस्थित गुरुकुलों के विद्यार्थिनी और विद्यार्थियों और आचार्य लोगों को भी मेरा सादर प्रणाम। आप सब लोगों को पता है कि 2 वर्ष पहले यहीं पर जो हरिद्वार में जो सार्वजनिक हरिप्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में सारे गुरुकुलों के सार्वजनिक सभा की ओर से हमने प्रयत्न किया था कि बहुत दिनों के बाद में कभी जो इतिहास में हुआ है या नहीं हुआ हमें पता नहीं, लेकिन हमने निर्णय किया कि लगभग पूरे 100 साल के इतिहास में 100-100 जो है 18 साल की बोल सकते हैं आप, इतने लंबे साल के इतिहास में गुरुकुलों ने बड़े बड़े विद्वानों को पैदा किया है, दिग्गज विद्वान हुए हैं, लेखक हुए हैं, प्रचारक हुए हैं, नेता हुए हैं, और गुरुकुलों से निकले हुए सारे लोग अपने जीवन को जो लगा करके आज समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को, वेद के विचारों के इस पौधे को जो है एक पेड़ के रूप में पनपने के लिए पूरा योगदान दिया है। तो ये हमारा विचार था, मैं इस बात को चूंकि आप गुरुकुल के विद्यार्थी हैं इसलिए आप लोगों के सामने जानकारी के तौर पर रखते हैं, हमारा विचार था कि गुरुकुल अपने अपने बलबूते पर, अपने आचार्यों के बलबूते पर चल रहे हैं, सबको एक बार इकट्ठा किया जाए, इन सारे लोगों की शक्ति को एक जगह एकत्रित करके इस शक्तियों का जो एक समुकृत रूप मिला जुला इसका जो बहुत बड़ा एक जो शक्तिवान रूप जो तैयार किया जाए, ये हमारी कल्पना थी। हमने प्रयत्न किया, 2 वर्ष पहले हरिद्वार में गुरुकुल सम्मेलन को आयोजित किया, उसके तुरंत बाद 3-4 महीने के बाद ही हमने जो है इस परिषद को, परिषद हमने उस समय वहां पर गठित किया था गुरुकुलम का एक जो परिषद जिसके अध्यक्ष स्वामी प्रणवानंद जी सरस्वती है, सारे आचार्यों को, देश भर के सारे आचार्यों को एक जगह बुला करके इस परिषद को फिर से थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये काम फिर जो है हैदराबाद में आर्य प्रतिनिधि सभा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के तत्वावधान में, सार्वदेशिक सभा के तत्वावधान में हमने हैदराबाद में फिर आयोजित करके इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का जितना हमारा सामर्थ्य था या जितनी सोच थी उस बात को हमने आगे बढ़ाया। मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आचार्यगण भी है, विद्यार्थी भी है, आप लोगों ने 2-4 छोटे जो विचार यहाँ पर के विद्यार्थियों ने और विद्यार्थियों ने भी कि आपने आखिरी में जो एक गीत गाया कि संग्राम ही जीवन है, जो लड़ेगा वो जीतेगा, वो आगे बढ़ेगा और नहीं तो नहीं बढ़ेगा। इतिहास के पन्नों को देखने से हम सब लोगों को ये पता चलता है कि लोग जिन्होंने अपना संघर्ष किया है, अपने जीवन को लगाया है, शहीद किया है, तभी उसका परिणाम आया है। गुरुकुलों के माध्यम से एक तरफ शास्त्र की चर्चा, उसकी पढ़ाई लिखाई तो आप करते ही है, लेकिन आप सब विद्यार्थी भी लगभग सभी जानते हैं कि भगत सिंह जो है अगर 23 साल की उम्र, बहुत छोटी उम्र थी, उस छोटी उम्र में अगर जो है देश के लिए, देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को शहीद करने का संकल्प नहीं लेते तो वो इतने बड़े व्यक्तित्व के जय धनी नहीं बनते, और हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच में जो आजादी का वो जो घोष था, जो बात थी, जो आवाज थी, उस आवाज को वो बुलंद नहीं कर पाते। उन्हें मालूम था कि अंग्रेज जो है जुर्म ढा रहे हैं, लाला लाजपत राय की हत्या की जो है इसमें जो पुलिस अधिकारी शामिल थे उन पुलिस अधिकारियों से बदला लेने के लिए आप सब लोग भी जानते हैं कि लाहौर में जो है गेट के बाहर इनका एक दल बन करके जैसे ही पुलिस अधिकारी बाहर आया उसको गोली से मार करके अपना बदला लिया था।
उन्हें पता था कि ये काम करने से हम जेल जाएंगे, आखिर में हमें फांसी हो सकती है, हमें कोई ले जा करके कहीं बिठा करके आराम से जो है खाने खिलाने पिलाने वाला नहीं है। राज अंग्रेजों का है, उनका कानून चलता है, पुलिस उसकी है, मिलिट्री उसकी है, तो निश्चित रूप से उनको पता था कि आज निकल हम मारे जाएंगे या हम शहीद हो जाएंगे या फांसी पर हमको लटका दिया जाएगा। ये कोई बहुत बड़े जो है संख्या में हजारों हजारों की संख्या में क्रांतिकारी नहीं थे। क्रांतिकारियों का एक दल पहले जो है राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों का बना, हो सकता है उनकी पूरी साथियों का अगर गिनती करेंगे आप तो 25-50 लोग मिलेंगे। दूसरा जो क्रांतिकारी दल बना भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद आजाद का, इनके भी जो है आगे पीछे के सारे लोगों की गिनती करेंगे तो भी जो है 40-50 निकल जाएंगे। पूरे 100 लोग ज्यादा से ज्यादा या और थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है गिनती कर ले, लेकिन कोई जो हजारों की संख्या इनकी नहीं थी, लेकिन ये सैकड़ों 100 लोग ही से देश को आजाद कराने का जो संकल्प लिया, इस देश की जो पारंपरिक सांप्रदायिक अपनी जो बहुत पुरानी सांस्कृतिक परंपरा माने थी, उस सांस्कृतिक परंपरा के अस्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान कर दिया, संघर्ष किया। उस संघर्ष का परिणाम आगे 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 देश की आजादी का रास्ता साफ किया। तो इन सब बातों को हम सुन रहे हैं, लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी, इतिहास को जानने के बाद में आपका कुछ न कुछ संकल्प होगा। आप पढ़ रहे हैं गुरुकुलों में, आपके दिमाग में बात होगी, आपके मन में बात होगी, इन सबको पढ़ने के बाद में कि मैं देश के लिए कुछ करूंगा, समाज के लिए कुछ करूंगा, मैं दुनिया को बदल करके रख दूंगा, मैं दयानंद की आवाज को बुलंद करूंगा और दयानंद के सपनों का समाज बनाऊंगा। कुछ ना कुछ होगा आप लोगों के दिमाग में, है कि नहीं? नहीं है, कुछ भी नहीं है, या केवल पढ़ करके जो है बाहर चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, इतना ही है। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है गुरुकुल के बच्चों में, गुरुकुलों के बच्चों में जहां पर एक तरफ शास्त्र को जो है पूरी तरह से जिसको हम माइक्रो लेवल अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो लेवल, तो बहुत जो है अंदर तक घुस करके उसकी पूरी जानकारी ज्ञान को लेने का काम करते हैं। मुझे गर्व है आज पूरे देश में मेरी जितनी जानकारी बात करो, आज पूरे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, हर यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग में अगर कोई बड़े से बड़े पद तक पहुंच रहा है तो गुरुकुलों के विद्यार्थी और विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। बहुत खुशी की बात, गुरुकुलों की रक्षा इसलिए भी आवश्यक है कि शास्त्र की इतनी गहनतम अध्ययन करने वाला व्यक्ति ही हमारे सांस्कृतिक स्वाभिमान को बचा सकता है। ये बाहर के जो विश्वविद्यालय है ना, वो पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे होंगे, इंजीनियर बन रहे होंगे और कुछ बन रहे होंगे, लेकिन ये स्वाभिमान नहीं है। मैं आज एक उदाहरण आपको देकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आज की बात करो, दिल्ली से देहरादून निकलने से पहले एक नेशनल वुमेन राइट्स कमीशन का एक सेमिनार था, कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में थी। वहां पर दो दो जज बैठे हुए हैं, कमीशन के मेंबर्स भी जजेस हैं, केंद्रीय सरकार के सारे बड़े अधिकारी हैं और सारे राज्य सरकारों से अधिकारियों को बुलाया गया है। अब वो चर्चा करते हैं कि जो है ये बंधुआ मजदूरी जो गरीब लोग हैं, मजबूरी में जो है कई बंधुआ बन जाते हैं ना, बॉन्डेड लेबर जिसे कहते हैं, या बाल मजदूरी करते हैं भाई, ये कानून तो बड़ा 1976 में बना, लगभग 40 साल हो गए, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ये चर्चा कर रहे हैं। इतने बड़े अधिकारी, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, जजेस के 40 साल लगते हैं इस बात को समझने में, समझाने में। उसके पीछे एक ही एक कारण है, खत्म इसीलिए नहीं होता कि उनकी कमिटमेंट नहीं है, उनकी प्रतिबद्धता नहीं है, उनका संकल्प नहीं है कि हम इस समाज को बदलेंगे, इस समाज की स्थिति को बदलेंगे, लोगों की स्थिति को बदलेंगे, अपने स्वाभिमान को देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को एक मुख्य धारा में लाकर के इस दुनिया में अपना एक ऊंचा स्थान बनाया।
ये प्रतिबद्धता ये संकल्प उन लोगों में नहीं है जो बाहर के पढ़े लिखे लोग हैं। यही तो कारण है देश आज अधोगति की तरफ जा रहा है। इस देश को बदलने का संकल्प आपने करना है, हमने करना है। दयानंद ने यही तो सिखाया है, स्वर्ग तुल्य राज भी अगर पराया हो तो हमें वो स्वीकार नहीं है, किसी भी हालत में हमें स्वीकार नहीं है। हमें अपना राज चाहिए, अपने स्वराज चाहिए, चाहे उसमें सूखी रोटी खाना पड़े, हमें भूखा रहना पड़े, पर वो स्वाभिमान की बात है, वो आत्मसम्मान की बात है। तो स्वाभिमान और आत्मसम्मान, आत्मगौरव, सांस्कृतिक अस्तित्व की पहचान को आगे बढ़ाने के लिए भारत समाज के निर्माण का संकल्प हम सबको लेना है। बहुत कठिनाइयां हो सकती है लेकिन आप लोग संकल्प करिए, मजबूत संकल्प करिए, लड़ने की शक्ति को जो मजबूत करिए। लड़ने की शक्ति मतलब छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से लड़ना नहीं है, बृहत्तर जो है हमारा जो आशय है, उद्देश्य है, उन सारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमको एक बहुत बड़ा संकल्प करना पड़ेगा, मजबूत संकल्प करना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हमको सब कुछ न्योछावर करके देश के लिए हमको काम करना पड़ेगा। बस ये जो है मुख्य बात आप याद रखें, ये गुरुकुलों में पढ़ाते ही हैं, इन सबको जो है आप और मजबूती से, क्योंकि मन ही है, मन की हार जो है सब कुछ हार जाता है, मन से जो जीत जाता है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मन को जो है डवाडा होने नहीं देता, वो व्यक्ति आगे जाता है। हमें बड़ी खुशी की बात है कि ये जो परिषद बना है, गुरुकुल परिषद के अध्यक्ष बहुत ही तपस्वी जो है हमारे महात्मा स्वामी प्रणवानंद जी सरस्वती, उसी प्रकार से पूरे आर्य समाज को नेतृत्व देने के लिए पूरा जीवन लगाने वाले हमारे यशस्वी प्रधान जी स्वामी राघवी जी है। प्रबुद्ध आचार्य की श्रेणी में आचार्य जी धारणा जी और जो स्वामी सोमदेव जी शास्त्री है, हमारे हैदराबाद आचार्य भी जो है यहाँ पर है, वहां पर भी पूरी गुरुकुल की आर्ष परंपरा को वो जीवित रखने के लिए अपने जीवन के पूरा जो है समय उन्होंने लगा चुका, अब तक 14 साल की परिक्रमा वो कर चुके हैं, बहुत ही योग्य है। मुझे बड़ी खुशी है इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, जीवित रखना है। तो आप सब लोग, अगली जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी अगर संकल्प करेगी, हमें विश्वास है कि दयानंद का सपनों का राज बनेगा। धन्यवाद। आपके इस संक्षिप्त सारगर्भित और निश्चित रूप से जो गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां यहाँ पर बैठे हैं, जो आज सीख रहे हैं कि उनको अपने जीवन में किस प्रकार से